हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी दाल भजिए, जिसको बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ 1 कप जितनी चना दाल लेकर उसे आधे घंटे के लिए गर्म पानी में सोक कर लिया था। 1 मीडियम साइज के अनियन लेकर उसे इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया था। 1 मीडियम साइज के आलू को लेकर उसे भी इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया था। 2 टेबलस्पून जितना फ्रेशली चॉप हरा धनिया लिया है, साथ ही 2 हरी मिर्च लेकर उसे छोटा छोटा काट लिया था। साथ ही मैंने लिया है 6 से 7 लहसुन की कलियों को बारीक चॉप कर लिया था। 3 टेबलस्पून जितना बेसन लिया है, यहाँ साबुत 1 लाल मिर्च को लेकर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। 1 टेबलस्पून जितना सूखा धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून जितना क्रश सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून जितनी रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना भुना हुआ जीरा, 1/2 टेबलस्पून जितना चाट मसाला, 1 टेबलस्पून जितना सॉल्ट लिया है। चलिए सबसे पहले हम चने की दाल को पीसेंगे। चने की दाल को हमने बहुत ही कम पानी के साथ हल्का सा दरदरा पीसना है। चने की दाल हमारी अच्छे से पिस चुकी है। अब हम इसमें अपने सभी सूखे मसाले और प्याज और आलू मिक्स करेंगे। सबसे पहले इसमें हम क्रश किया हुआ गार्लिक डालेंगे, साथ ही इसमें कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च कटी हुई, नमक, बेसन। बेसन का यूज हम बाइंडिंग के लिए करेंगे। अगर आप बेसन ना यूज करना चाहें तो आप उसकी जगह चावल का आटा भी डाल सकते हैं। सूखा धनिया पाउडर, चाट मसाला, क्रश सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च का यूज आप अपने टेस्ट बड के अकॉर्डिंगली सेट कर। साथ ही इसमें कटे हुए आलू डालेंगे और इन्हें डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब एक कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दें। अब इसमें हम अपने दाल भजिया फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें अपने बैटर को डालेंगे। चम्मच या हाथ की सहायता से धीरे धीरे अपने बैटर को इसमें डाल दें। अब इसे 5 मिनट के लिए बिल्कुल भी ना हिलाएं। 5 मिनट के बाद इसे हल्का सा हिलाएं और दोनों तरफ से मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लें। भजिए हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें किसी टिश्यू पेपर या बटर पेपर पे निकाल लें। लीजिए, रेडी है शाम की भूख का परफेक्ट इलाज, दाल भजिए। इसे आप गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें।